राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंदर शराबबंदी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्थान का राजस्व अच्छा होता है और राजस्व अच्छा होने के साथ साथ इससे सरकार को भी फायदा होता है। और वहीं आप सभी को बता दूं कि गहलोत का कहना इसके अंतर्गत ये सामने आ रहा है कि हम अच्छी क्वालिटी की शराब बेचेंगे और अच्छी क्वालिटी की शराब अच्छे दामों पर बेची जाएगी और इससे राजस्व अच्छा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इस पर दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके द्वारा अनशन भी देखने को मिल सकता है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं पूनम अंकुर छाबड़ा शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रक्षाबंधन पर्व पर राज्य सरकार ने एक बयान जारी किया कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकती। जब लाखों महिलाओं, बहनों और माताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री साहब से अपील की थी, ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद में हम सभी महिलाओं बहनों में भारी नाराजगी है। मैं ऐसे बयान का विरोध दर्ज करती हूँ, ये हम सभी महिलाओं का अपमान है। मैं हमारे गांधीवादी नेता जो है मुख्यमंत्री साहब अशोक जी गहलोत, उनसे निवेदन करती हूँ कि शराबबंदी के लिए कोई ठोस कदम शीघ्र उठाया जाए, नहीं तो मैं आदरणीय हमारे हुतात्मा साहब जो कि शराबबंदी के लिए शहीद हुए, उनके बलिदान दिवस 3 नवंबर से अनशन पर बैठने आ रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।